हैं आप लोग फ्रेंड्स, पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मोबाइल फ्रेंड्स गुम हो गया है, तो मैं आप लोगों से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा हूँ। बहुत जल्द फ्रेंड्स मैं आऊँगा, मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए। पक्का सबकी क्यूरी, सबके आंसर मैं व्हाट्सएप पे आंसर करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सीजनल वर्कर वीज़ा, बहुत ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। एक बहुत लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में, आपको कैसे क्या करना है सब कुछ। ये देखिए, सीजनल वर्कर वीज़ा है, यूके गवर्नमेंट की साइट www.gov.uk, वहाँ से आया है ये। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए क्या क्या कर सकते हैं आप। यू कैन अप्लाई फॉर अ सीजनल वर्कर वीज़ा टू कम टू यूके, हॉर्टिकल्चर फॉर अप टू 6 मंथ्स, फॉर एग्जाम्पल पिकिंग फ्रूट वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, पोल्ट्री कर सकते हैं आप, ठीक है। 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर उसी साल आपको कब करना है, यू नीड टू अप्लाई फॉर पोल्ट्री सीजन वर्कर वीज़ा बाई 15 नवंबर ईच ईयर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इन्होंने पूरा अपडेट दिया हुआ है, इसमें लेटेस्ट एक बुकलेट आई हुई है फ्रेंड्स, मैं आपको बुकलेट पढ़ाता हूँ। बुकलेट देखिएगा आप, आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, अगर आपको ये बुकलेट चाहिए सीजनल वर्कर वीज़ा की तो मेरे से लीजिए फ्रेंड्स आके। ये देखिए सीजनल वर्कर वीज़ा इन यूके कल्चर, आप देखिए 26 जून 2023 को ये बुकलेट अभी जारी की गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है सीजनल वर्कर वीज़ा एग्रीकल्चर क्या हो रहा है। 45,000 सीट्स इसमें आने वाली है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊँगा अभी यहाँ पे। ये देखिए इन्होंने पूरा इसको समराइज़ किया है, पूरा इसमें एक तरह से कुंजी है जो पूरी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी फ्रेंड्स। इसमें देखिए यहाँ पे कंटेंट में क्या क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 41 पेजेस का है फ्रेंड्स। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप आके मुझसे ले सकते हैं, कभी भी आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब दिया हुआ है, पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि कैसे ले सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि करंट सीजनल वर्कर वीज़ा स्कीम है कोटा ऑफ 45,000 टू 55,000 ए ईयर। अगर आपने मेरा वीडियो का थंबनेल देखा होगा तो उस पर मैंने लिखा है, मतलब ये बढ़ा के 45,000 से 55,000 एक साल में कर दी गई है। पहले ये 2,500 ही थी, ठीक है, 2023-24 में देखिए कितना 45,000 प्लेसेस पर ईयर इन्होंने निकाला हुआ है फ्रेंड्स। उसमें से 2,000 पोल्ट्री वर्कर्स के लिए, जो पोल्ट्री में काम करना आते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, आप इसके लिए अप्लाई करिए, बुकलेट लीजिए, बुकलेट पढ़िए। बुकलेट क्यों पढ़ने को बोल रहा हूँ, बुकलेट पढ़ेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप अपना एजेंट खुद बन सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इन्होंने बताया भी है क्राइटेरिया क्या क्या है, जब आप देखिए द क्राइटेरिया सेट आउट इन द इमिग्रेशन रूल्स, आपको क्या करना है, इन्होंने पूरी क्राइटेरिया इसमें सेट करके दी हुई है पूरी क्राइटेरिया। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अलग से ये आपको बता भी देगा, देखिए अभी इस PDF में ही सब कुछ दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ देखिए इन्होंने, ये देखिए इमिग्रेशन रूल्स अपेंडिक्स टेम्प्रेरी वर्क सीजनल वर्कर, द सीजनल वर्कर रूट इज़ फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू कम टू द UK टू डू सीजनल हॉर्टिकल्चर वर्क और पोल्ट्री प्रोडक्शन वर्क। आप देखिए यहाँ पे पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अ पर्सन ऑन द सीजनल वर्कर रूट कैन स्टे फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इन एनी 12 मंथ पीरियड इफ दे आर वर्किंग इन अ रोल। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, आप केवल 6 महीने यूके में रह सकते हैं इस वीज़ा पे, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उस 6 महीने में आप कोई दूसरा एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं जो आपको एक नया काम दे देगा, और फिर आप एक नए वर्क परमिट में अप्लाई करके नई जॉब शुरू कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 6 महीना इस पर आप काम कर सकते हैं। पोल्ट्री वाले जो हैं, देखिए इफ देर आर पोल्ट्री प्रोडक्शन वर्कर दे कैन स्टे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बिगनिंग नो अर्लियर देन 2 अक्टूबर एंड एंडिंग नो लेटर देन 31 दिसंबर, मतलब 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आप पोल्ट्री में भी काम कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर और चिल्ड्रन, मतलब वाइफ और बच्चों को लेके नहीं आ सकते, इसमें अलाउड नहीं है फ्रेंड्स। सीजनल वर्कर रूट इज़ नॉट अ रूट टू सेटलमेंट, देखिए इस वीज़ा को लेके आप सेटल नहीं हो सकते हैं, बट एक चीज़ अच्छी क्या है, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा फ्रेंड्स कि आपने यूके में काम किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे, इसको फ्रेंड्स आप आके पढ़ लीजिएगा। मैं इस पर ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा करूँगा नहीं फ्रेंड्स, ऑलरेडी 4 मिनट का वीडियो हो चुका है। ये देखिए आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इफ़ द सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप कन्फर्म्स दैट द रोल इज इन पोल्ट्री प्रोडक्शन सेक्टर, एक मतलब अगर आपने पोल्ट्री में पहले काम किया है, अगर आपने फूड पिकिंग में जॉब अगर किया है, तो एक सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगा दीजिएगा, वो भी काफ़ी सही रहेगा। अब देखिए सुटेबिलिटी रिक्वायरमेंट इन्होंने बताया क्या क्या है, एलिजिबिलिटी पे बात कर लिया मैंने, डिसीजन कब आता है देखिए, इफ़ द डिसीजन मेकर सेटिस्फाइड दैट ऑल द सुटेबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आर मेट फॉर अ सीजन वर्कर देन द वीज़ा विल बी ग्रांटेड। अब देखिए फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें इस जो मैंने आपको कुंजी दिखाई अभी, ध्यान दीजिएगा फिर से मैं आपको मेन पेज पे लेके आता हूँ। ये देखिए सीजनल वर्कर वीज़ा यूके एग्रीकल्चर 26 जून, अभी 4 दिन पहले का है, तो ये आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने सब कुछ कवर किया हुआ है फ्रेंड्स। आप आके इसको पढ़िए, आपकी देखिए वेज कितनी हुई, कितने आपको पैसे मिलेंगे वर्कर्स पेइंग ओवरसीज़, ठीक है। वो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ इन्होंने
सब कुछ दिया है यहाँ पे इस गुत्थी में, सब कुछ है। तो आप आइए, इसको पढ़िए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए फ्रेंड्स, हम सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। ये देखिए 41 पेजेस की बुकलेट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यूके सीजनल वर्क वीज़ा अप्लाई करिए, कोई डाउट है आप मंडे से मेरे व्हाट्सएप पे आके मुझसे नंबर पूछ आके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं 7382036222 पे मेरा नंबर एक्टिव हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो डाउट है आपके व्हाट्सएप पे पूछिए। तब तक के लिए फ्रेंड मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल गुम हो गया है, तो इसलिए मेरे पास वो नंबर नहीं है। तो सारे जो मेरे भाई लोग हैं, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। और सॉरी मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट सबका रिप्लाई मैं करूँगा फ्रेंड्स। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यूके सीजनल वर्क वीज़ा 45,000 सीट्स हैं अभी, अप्लाई करिए फ्रेंड्स, बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, कितना पैसा पे करना है वीज़ा के लिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस।